हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक नए असाइनमेंट के साथ मैं आपके सामने आज आ गया हूँ। ये है असाइनमेंट टू, माह अक्टूबर का है, क्लास टेंथ का इंग्लिश सब्जेक्ट का। जो असाइनमेंट टू आया है अक्टूबर मंथ का, वो असाइनमेंट है और इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास टेंथ का ये असाइनमेंट है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इस वीडियो में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की गई है, इस वीडियो से मेरी कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अभी तक ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाए हैं या किसी कारण से अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उनको हेल्प के दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है। तो इसमें से पूरा कॉपी ना करें, केवल समझाने के लिए दृष्टि से बनाया गया है। इसको पढ़िए, समझिए और अपने हिसाब से आंसर को बनाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है, रीड द फॉलोइंग पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका पोयम था, उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या था, द पॉइंट इज लेट थ्रो ईच टाइम ही रीड अ बुक्स, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे वंडरलैंड दिया गया है, ठीक है। फिर सी का बी नंबर है, इन द बुक द पोएट मीट्स न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स इन द सिटी स्टेट, इसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आपको आगे बना सकते हैं, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन में आप हम देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा ए और बी हुआ, ये सी नंबर है, द न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स द पोयम, फ्रेंड्स ये दिया है द पोयम, फेक द पोयम, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है आपका ये ऑफ एडवेंचरिंग, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी का है। डी नंबर है, वाई डज द पोएट लव हिज बुक्स, तो इसका आंसर यहाँ पर डी का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है, इसके बाद ई नंबर है, हाउ डज अ कंस पर्सन वेलकम द पोएट, तो इसका आंसर आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ई का हो गया। देन क्वेश्चन नंबर टू में बढ़ेंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट यहां पर ले लीजिएगा, मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूं अच्छे से, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई वाज द आंटी जेन वरीड अबाउट द गिफ्ट चेक, इसका फिर आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, वाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड, इसका आंसर है इस प्रकार से दिया। सारे आंसर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अगर आंसर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट आपका होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग देख करके स्क्रीन शॉट लेकर के आगे बना लेना, ठीक है। फिर है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, उसका आंसर इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये ए नंबर है, इसके बाद यहाँ पर बी नंबर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग स्क्रीन शॉट लेके बना लेना, आगे क्वेश्चन है, या फिर वीडियो को पाउज करके भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। पुट द करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक, ये वर्ब आपको डालना था, इसका यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है। उसके बाद जो भी दिया है वो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सारे हैं, आप लोग उसमें से चूज द करेक्ट आंसर को चूज करके बना लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, राइट अ पैराग्राफ ऑन कोविड-19 पेंडेमिक यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो, यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं, पहला स्टे होम, दूसरा फेस मास्क, तीसरा सैनिटाइजर, फिर है चौथा सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद है वॉश हैंड, फिर है डू नॉट शेक हैंड्स। तो इन सारे चीज़ को मिलाकर हमको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। मतलब कि एक पैराग्राफ आप लोग लिखो कि इसमें कोविड-19 में, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो अच्छे से तैयारी कर लेना। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है लगभग एक पेज के आसपास का, जितना नंबर उसमें जितने आपको वर्ड्स दिए रहेंगे उसके हिसाब से, जिसमें जो हिंट्स दिए हैं वो सारे वर्ड जो है आने चाहिए, मैं या सारे वर्ड उसमें मैच करने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये पैराग्राफ है कोविड-19 में, इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर है, पैराग्राफ ऑन कोविड-19, तो इसका भी आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पूरा पूरा आप लोग कॉपी मत करना, कॉपी नहीं करना पूरा, आप लोग कैसे बनाओगे बता दिया हूँ, इसमें से आप लोग हिंट लीजिए और फिर अपने दृष्टि से अपने हिसाब से जैसा भी आपको लगे सही उसको बना लीजिएगा। सारे असाइनमेंट मैं आपको डालने वाला हूँ इस चैनल पे, तो चैनल को मेक श्योर कि सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि सारे आपको जो है वे असाइनमेंट वो मिल जाए। साथ ही साथ जो वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से हम लोग, तो लाइक के बटन को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स आपके अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाए सबके पास जल्दी जल्दी शेयर कर दिए, ताकि सबको ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। बहुत बहुत थैंक यू।